तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो ऑफ रोस्ट गेमिंग 2.0। गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे माइनक्राफ्ट के अंदर रिप्ले मोड को ऐड करते हैं और अपने वीडियो को मस्त सिनेमैटिक लुक देते हैं, ठीक है। और वीडियो के अंदर अगर तुम पूरे बने रहोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद से तुम खुद से सारे मोड्स में रिप्ले मोड इंस्टॉल करना सीख जाओगे और लिटरली तुमको किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक मेरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फट से स्टार्ट करते हैं कैसे ऐड करते हैं माइनक्राफ्ट में रिप्ले मोड। लेकिन उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो एंड वीडियो को भी करके जितना हो सके शेयर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अपने विंडो के स्क्रीन पे। तो गाइस, हम लोग अपने विंडो के स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हमको सिंपली अपना जो माइनक्राफ्ट है, जो ऑफिशियल या फिर लिटरली समझ सकते हो टी लॉन्चर वाला है, दोनों में से जो भी माइनक्राफ्ट है उसको खोल लेना है, ठीक है। मैं फिलहाल टी लॉन्चर वाला यूज करता हूँ तो मैंने टी लॉन्चर वाला खोल लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर टी लॉन्चर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नोट दैट, ठीक है। माइनक्राफ्ट वाला स्ट्राइक स्ट्राइक मत मार देना। और भाई, यहाँ पे तुम नीचे जो वर्जन देख रहे हो ना, यहाँ पे तुमको अपने माइनक्राफ्ट का वर्जन सिलेक्ट करना है जिस वर्जन में तुमको रिप्ले मोड ऐड करना है। लेकिन भाई, एक बात नोटिस करके रखना, वहां पे रिलीज को करना, ठीक है, ना कि फॉर्ज ऑप्टिफाइन या फिर फॉर्ज ऑप्टिफाइन को, ठीक है। रिलीज वाले को सिलेक्ट करना, ऐसे तुम फॉर्ज वाले को भी कर सकते हो, टोटली तुम्हारे ऊपर है, लेकिन रिलीज वाले पे बहुत सारा मस्त वर्क करता है। तो रिलीज या फिर लेटेस्ट रिलीज को तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। और गाइस, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करके यहां सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाओगे, आपको अपने फाइल का लोकेशन दिख जाएगा, लास्ट में डॉट माइनक्राफ्ट होगा, ठीक है। आपको ये टोटल सिलेक्ट करना है, टोटल सिलेक्ट करके इसको CTRL-C से कॉपी कर लेना है, ठीक है। लिटरली इसको CTRL-C से कॉपी करने के बाद, चलो मैं बताता हूं इसको कैसे कंप्यूटर के अंदर पेस्ट करना है और आपको अपने माइनक्राफ्ट का लोकेशन खोलना है। तो गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे CTRL-C से कॉपी करोगे, आपको अपने पीसी के अंदर जाना है और पीसी के अंदर जाने के बाद द पीसी जहाँ लिख के आ रहा है ना, वहां पे इस चीज को पेस्ट कर देना है, ठीक है। द पीसी में पेस्ट करना, बगल में सर्च वाला जो आइकन है उस पर पेस्ट करोगे, सदियों बीत जाएंगे और सर्च होते ही रह जाएगा। जैसे मैं सर्च वाले पे डाला, यहाँ पे सदियों बीत जाएगा, मेरा सर्च होते रह जाएगा, यहाँ से लिटरली तुम्हारा नहीं होने वाला है। तुमको यहाँ पे सिंपली देख लो तुम, ठीक है, ऐसे यहाँ से कर सकते हो, ऐसे सर्च हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। बट अगर टाइम नहीं लगाना चाहते हो और डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो ना, तो उसका भी लिटरली एक ट्रिक आता है। सिंपली भाई, तुमको यहाँ पे क्रॉस कर देना है, क्योंकि भाई इसमें लिटरली नहीं भी तो तुमको 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो भाई, सिंपली यहाँ से तुमको इस थिंग को कट कर देना है और द पीसी जो आएगा ना, द पीसी उसके अंदर डायरेक्ट तुमको पेस्ट करना है, ठीक है। द पीसी वाले लिंक पे क्लिक करना और भाई डायरेक्ट इसके अंदर तुमको पेस्ट कर देना है उस वाले लोकेशन को, CTRL-V दाब पे, ठीक है। लिटरली CTRL-V दाबोगे, जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये जो लोकेशन है वहां पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। द पीसी मैंने सिलेक्ट किया और डायरेक्ट यहाँ पे CTRL-V दाबा, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे माइनक्राफ्ट वाले पे क्लिक किया, डायरेक्ट मेरा फोल्डर खुल चुका है। अब गाइस, डायरेक्ट यहाँ फोल्डर खुलने के बाद आपको एक चीज सर्च करना है, यहाँ पे आपका मोड्स वाला फोल्डर बना है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। अगर आपका नहीं बना है तो आप देख लो MODS फोल्डर, इसको न्यू फोल्डर में जाकर के न्यू फोल्डर यहाँ पे बना लेना MODS का। मेरा पहले से बना हुआ है, हालांकि इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन लिटरली आपका नहीं बना होगा तो आपको यहाँ पे फोल्डर बना लेना है। बस आपका यहाँ पे 20% काम हो चुका है। अब आपको सिंपली क्रोम पे चले आना है और क्रोम पे आपको सर्च करना है रिप्ले मोड, और जिस भी वर्जन का चाहिए उस वर्जन का रिप्ले मोड सर्च करना है। लिटरली अभी 0.1.20.1 का चल रहा है तो मैं उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई, यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका रिप्ले मोड जो है ना, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन भाई, रिप्ले मोड के साथ साथ आपको यहाँ पे API भी चाहिए होगा फैब्रिक का और फैब्रिक इंस्टॉलर भी चाहिए होगा। तो दोनों कैसे करना है, तो देखो बगल में आ रहा है इंपॉर्टेंट फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, किसी भी फैब्रिक पे क्लिक करोगे, आपको डायरेक्ट आ जाएगा डाउनलोड फॉर विंडो। आपको यहाँ से फैब्रिक भी डाउनलोड कर लेना है, ऐसे आप घबराओ मत, इन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स दोनों में दे दूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इस वर्जन के अलावा आपको दूसरे वर्जन का भी करना होगा तो सेम ऐसे ही करना, ठीक है। गाइस, यहाँ पे आपको फैब्रिक API भी डाउनलोड करना है, नीचे जो लिटरली लिख के आ रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, थोड़ा सेकंड रुकना है, आपका यहाँ पे फैब्रिक API जो है ना वो ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लिटरली ये सब डाउनलोड होने के बाद आओ मैं बताता हूँ कैसे आपको इन फाइल्स को लगाना है, ठीक है। और अभी तक जो बंदा देख रहा है ना, 100% भाई, तुमको इसका जिंदगी में कभी भी रिप्ले मोड लगाने के लिए किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी बात के लिए एक लाइक कर दो वीडियो को और फट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फोल्डर में जहां पे हमने इन तीनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। गाइस, हम अपने पीसी में आ चुके हैं और यहाँ पे डाउनलोड्स पे चल लेते हैं और ये तुम देख सकते हो टॉप में जो तीनों है, ये तीनों फोल्डर हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। सबसे पहले फैब्रिक इंस्टॉलर पे डबल क्लिक करना है और फैब्रिक इंस्टॉलर पे डबल क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे तुम्हारा कुछ लोडिंग लेगा, ठीक है। और लिटरली यहाँ पे लोडिंग ले तो घबराना मत भाई, ये विंडो एनालाइज करता है, लिटरली चेक करता है कि कैसे हमारा ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। भाई, यहाँ पे लिटरली ये हो चुका है। अब तुमको ऊपर वर्जन सिलेक्ट करना है, जिस वर्जन में रिप्ले मोड चाहते हो उसी वर्जन को सिलेक्ट करना है, ये बात याद रखना। और नीचे सिंपली तुमको ये चेक कर देना, ये चेकबॉक्स अनचेक होगा,
को चेक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और इंस्टॉल पे क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे तुम्हारा काम हो चुका है। यहाँ पे लिटरली फैब्रिक एपीआई का जो इंस्टॉलर है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके आ जाएगा यहाँ पे नोटिस करके, ओके ठीक है। उसके बाद ऊपर से कट कर देना या नीचे डन का भी ऑप्शन आता है, तुम यहाँ से दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये दोनों कट एंड डन करने के बाद सिंपली यहाँ से काट देना है। और ये तो ऊपर वाले दो फोल्डर है ना, एक रिप्ले मोड का और एक फैब्रिक एपीआई का, इन दोनों को कॉपी करना है। और इन दोनों को कॉपी करने के बाद सिंपली आपको वो जो माइनक्राफ्ट वाला फोल्डर कॉपी करवाया था ना उसके अंदर मॉड्स के अंदर जाना है। और लिटरली मॉड्स के अंदर जाकर के इन दोनों को पेस्ट कर देना है, ठीक है। मॉड्स वाला फोल्डर अगर नहीं हो तो फिर से बोल रहा हूँ बना लेना, और उसके अंदर इन दोनों ही थिंग को डाल देना भाई। इतना करने के बाद है ना आपको यहाँ पे 80% वर्क हो चुका है, अब आपका थोड़ा सा वर्क बचा है, ठीक है। और उसके बाद आपका रिप्ले मोड ऐड भी हो जाएगा, और मैं बता भी दूंगा वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसको चलाते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको टी लॉन्चर में आ जाना है। पहले मैं ये टी लॉन्चर को कट कर देता हूँ भाई, अभी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। माइनक्राफ्ट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, अगेन से मैं अपना टी लॉन्चर खोल लेता हूँ यहाँ पे। और लिटरली टी लॉन्चर खोल लेता हूँ, तुम्हारे सामने लाइव खोल रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे एडिटिंग नहीं है कि बाद में बोलोगे भाई एडिटेड है, अबे ये फेक यूट्यूबर है, नल्ला बेरोजगार फ्री में व्यू ले रहा है। भाई देखो यहाँ पे लिटरली आ गया। अब यहाँ पे रिलीज के नीचे ही तुमको आ जाएगा यहाँ पे फैब्रिक वाला, ठीक है। फैब्रिक का लेटेस्ट वर्जन वाला जो तुमने डाउनलोड किया वो आ जाएगा। यहाँ पे इंटर द गेम करना है, थोड़ा देर इनिशियलाइजिंग लेगा, हो सकता है कुछ नेट भी चार्ज करे वरना डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम पे तुमको यहाँ पे 20 सेकंड से 1 मिनट के बीच में कितना भी टाइम ले सकता है, लेकिन उसके बाद लिटरली तुम्हारा यहाँ पे ऑल डन हो जाएगा। और उसके बाद हर बार तुम्हारा 10 सेकंड के अंदर ही खुल जाएगा माइनक्राफ्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस यहाँ पे हमारा माइनक्राफ्ट जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। और टी लॉन्चर को मैंने अगेन से टाइप कर दिया था तो गलती से अगेन से ओपन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे टी लॉन्चर हमारा अगेन से मैं कट कर दूंगा, और यहाँ पे भाई हमारा माइनक्राफ्ट खुल चुका है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारा रिप्ले मोड ऐड हुआ कि नहीं। तो गाइस तुम देख सकते हो माइनक्राफ्ट रियल एमएस के अंदर हमारा रिप्ले मोड ऐड हो चुका है। पहले मैं टी लॉन्चर कट कर दूं, और ये देख सकते हो हमारा रिप्ले व्यूअर आ चुका है, रिप्ले मोड का व्यूअर आ चुका है। सबसे पहले गाइस इस पर क्लिक करके सेटिंग में चले जाना है इसके, और जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ ना एग्जैक्ट वैसा ही सेटिंग करना। सबसे पहले तो भाई तुमको यहाँ पे जो है ना इनेबल ये रिकॉर्ड सिंगल प्लेयर, इसको ऑफ मत करना, ठीक है। इसको ऑफ कर दोगे और साथ साथ इंडिकेटर और सर्वर को, तो भाई लिटरली यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे सर्वर को ऑन रख देना और साथ साथ में सिंगल प्लेयर को, ताकि तुम इनमें जब भी खेलो तो तुम अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सको। यहाँ पे इंडिकेटर को ऑफ कर देना, वरना बार बार आएगा रिकॉर्डिंग और नॉट रिकॉर्डिंग का इंडिकेटर ऊपर रेड कलर में भर के, जो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना, बाकी सारे सेटिंग को ऐसे ही रहने देना। सो चैट को अगर तुम चाहो तो इनेबल कर सकते हो, चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग वाला जो सिस्टम है ना उसको बंद कर देना भाई, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बहुत सारा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद कर देना, वरना तुम्हारा पूरा फोन का स्टोरेज आई मीन पीसी का स्टोरेज बढ़ जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसको बैक कर देना, ठीक है, ये इतना ही सेटिंग करना है। उसका सिंगल प्लेयर मैं चल के तुमको दिखा देता हूँ कि हमारा रिप्ले मोड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्वाइन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या हमारा रिप्ले मोड डायरेक्ट स्टार्ट होता है या फिर नहीं होता है, हम उसको पॉज एंड प्ले कैसे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा वर्ल्ड लोड रेड है, तो सबसे पहले इसको लोड हो जान देते हैं। यहाँ पे हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है, ठीक है। और भाई ये जो वर्ल्ड है भाई ज्यादा टाइम ले रहा है यार, जल्दी लोड हो जाओ यार, टाइम ले रहा है। चलो हो गया यहाँ पे हमारा वर्ल्ड लोड। और लिटरली यहाँ पे ईएससी बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, और ईएससी बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तुम देखना मेरा रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ, जो मन करे शो कर सकता हूँ, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब मैं यहाँ पे कोई भी ब्लॉक लगा सकता हूँ और साथ साथ मैं ब्रिज बना सकता हूँ, और जब मुझे मन करे मैं रिकॉर्डिंग पॉज भी कर सकता हूँ, स्टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लगा लेता हूँ और देखता हूँ फिर जाकर कि ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक लगा दिए। अब यहाँ पे मैं एमएलजी करने का ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या एमएलजी हो पाता है नीचे तक या फिर नहीं। भाई ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं बहुत नया प्लेयर हूँ, तो लिटरली मुझे एमएलजी आती नहीं है, बट इतना रिकॉर्डिंग के लिए काफी है, ठीक है। अभी मैं मुझे तुम्हें दिखाना है, पूरा रिकॉर्ड करना नहीं है क्लिप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ और सीधा बैक टू गेम करता हूँ, ठीक है। बैक टू गेम करके ईएससी करके सेव एंड क्विट करता हूँ। और भाई इसके बाद आता है सबसे मेन स्टेप, ठीक है। तुमको यहाँ पे सेव वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम अपने रिकॉर्डिंग को रेंडर नहीं कर पाओगे जब तक ये मेन वाला थिंग नहीं करोगे। अगर अभी से बैक कर देना जिसने, उसका कभी भी रिप्ले मोड नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी एमएमसी पैक कुछ ऐसा फाइल आता है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। उसकी भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमारे यहाँ पे डन हो चुका है, अब मैं तुमको रिप्ले व्यूअर पे जाकर ये दिखा देता हूँ। देख सकता हूँ हमारा रिप्ले मोड ऐड हो चुका है, लेकिन इसको अपने फोन में रेंडर करने के लिए तुमको एक फाइल चाहिए होगा, वो फाइल की लिंक है लिटरली उस सबका कैसे सेटअप करते हैं ये भी मैं अभी तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले तुम ये देखो हमारा रिप्ले मोड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे की फ्रेम एंड टाइम फ्रेम पे प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। और लिटरली मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगा तुमको कि रिप्ले मोड कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ। लेकिन हाँ डेफिनेटली तुम इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद यूट्यूब पे हजार तरीके के ट्रायल पड़ेगा कि रिप्ले मोड में एडिट कैसे करते हो, और तुम लिटरली पढ़ पढ़ के भी कर सकते हो। यहाँ पे एडिट करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ यहाँ पे एडिटिंग वेडिटिंग कर ली है। ये मेरा एक कैमरा का सीन आ चुका है, ये जो हरा कलर में देख रहा हूँ ना डॉट जैसा, ये कैमरा का सीन होता है, बस इतना मुझे पता है। और जिधर से ले जाकर के तुम सीन को रोटेट करोगे ना, बस उधर का ही पार्ट दिखेगा। एज एग्जाम्पल अभी मैं सिर्फ पहाड़ पे ले जाकर के यहाँ पे टाइम फ्रेम एंड की फ्रेम दोनों को फिक्स कर दिया, और उसके बाद पहाड़ को बड़ा छोटा करूंगा ना, तो लिटरली मेरा पूरा पहाड़ दिखेगा, मेरा कैरेक्टर है सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है, मेरे रिप्ले मोड के अंदर। याद रखना मैंने इतना दूर किया, तो मेरा रिप्ले मोड में एग्जैक्ट इतना ही रिकॉर्ड होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टाइम फ्रेम की फ्रेम दोनों लगा देता हूँ, और सिंपली अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मेरा रिप्ले मोड जो है वो ऐड हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे डन हो चुका है। लेकिन अभी जब हम इसको रेंडर करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमको मेन प्रॉब्लम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फिनिश कर लिया, ऊपर से मैं स्पीड भी कुछ इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्पीड को भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं तो देख सकता हूँ हमारा कैरेक्टर कितना तेजी में कर रहा है, बट हमने जहां से जहां तक टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है बस वहां से वहां तक ही आएगा, उसके आगे का हमने सिलेक्ट नहीं किया है तो नहीं आएगा। हम यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करते हैं, और सेव पे क्लिक करने के बाद गाइस जैसे देख सकते हो तुम हमारा आउटपुट है, नहीं ये सब किसी भी सेटिंग को तुमको नहीं छेड़छाड़ करना है। बिट रेट को तुम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट 30 MBPS से ज्यादा मत रखना, वरना पीसी भाई लिटरली हालत खराब हो जाएगी उसकी, और फोन में भी वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसा तो माइनक्राफ्ट और सबको ही बोलते हैं कि 20 या फिर 22 बहुत हो गया, लेकिन मैं 25 रखता हूँ क्योंकि मेरी मर्जी है, ठीक है, लेकिन 25-30 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत रखना। और उसके बाद भाई यहाँ पे नीचे अगर रेंडर नेम टैग, इसको भाई क्रॉस करके रखना, ठीक है, नेम टैग भाई अगर रेंडर नहीं करना है तो, अगर रेंडर करना है तो उसको टिक कर देना, रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आता है यहाँ पे मेन कमांड, ठीक है। अब जब तक तुम यहाँ पे कमांड नहीं डालोगे, रेंडर करोगे, तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, और लिटरली अब तुमको बोलेगा FMMPG डालो फाइल, ठीक है। तो अब कैसे डालते हैं FMMPEG फाइल, लिटरली बता देता हूँ मैं। सबसे पहले गाइस हम अपने क्रोम पे चल लेते हैं, और यहाँ पे हिस्ट्री में मैं जाकर के वो फाइल का लिंक खोल लेता हूँ, ठीक है, और तुमको डेफिनेटली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ में कॉमेंट्स में भी पिन मिल जाएगा, तो तुमको यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं सारे लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट दोनों में दे दूंगा, तो तुमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये वाला जो लिंक है, इसी से ये फोल्डर ओपन होता है, तो सबसे पहले इसको ओपन हो लेने देते हैं। यहाँ पे ओपन हो चुका है, अब हमको ऊपर चले जाना है, ठीक है, तो स्क्रॉल करते हुए सबसे ऊपर, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ग्रीन में भर रहा है ना इंस्टॉल FMMPEG, लिटरली उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है ना ऊपर ही लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करना है, हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और ये फाइल का जो साइज है ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ये 80 MB के अप्रोक्स है, क्योंकि ये सबसे मेन फाइल है, ये रेंडर करवाता है। तो भाई अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है, तुम कितना भी रिप्ले में एडिट कर लोगे तुम उसको बाहर एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। तो भाई सबसे पहले ये फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है, अब सिंपली इस पे क्लिक करना है, और भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारे पास विनरार होना चाहिए, ठीक है, विनरार होगा तो ही तुम एक्सट्रैक्ट कर पाओगे विंडोज के अंदर, तो वो बहुत इजी तुम डाउनलोड कर सकते हो विंडोज का विनरार, ठीक है, ऐसे सारे विंडोज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे क्लिक करके और तुमको सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके और उसके बाद लोकेशन चूज करना है। अब लोकेशन चूज करना सबसे मेन होता है, लोकेशन में तुमको वही लोकेशन चूज करना है जो कि तुमने टी लॉन्चर से कॉपी किया था, यानी कि माइनक्राफ्ट वाले फोल्डर का लोकेशन, ठीक है, डाउनलोड वाले पाथ पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है तुमको, वहां पे माइनक्राफ्ट वाला जो लोकेशन तुमने कॉपी किया था ना, एग्जैक्ट वही लोकेशन पे यहाँ पे कॉपी करना है, एग्जैक्ट वहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है। गाइस यहाँ पे सिंपली आपको ब्राउज फोल्डर पे चले जाना है, और यहाँ पे माइनक्राफ्ट वाला जो आपने कॉपी किया था ना उसको पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद लिटरली आपको उसके अंदर जाना है, ठीक है, ध्यान से करना है ये चीज। अगर आपने माइनक्राफ्ट वाले डायरेक्टरी में नहीं किया तो आपका ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ही आराम से आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ एरो आएगा गो वाला, उस पर क्लिक करना है, और देख सकते हो आप फोल्डर में आ चुका है minecraft.minecraft, ओके करना है। आप यहाँ पे बाहर आकर भी रीवेरीफाई कर लेना, यही होना चाहिए फोल्डर। उसके बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग होने लगेगा, और जैसे यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा ना एक्सट्रैक्टिंग, उसके बाद गाइस आपको कोई भी चीज कमांड के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, उसको ब्लैंक ही छोड़ देना, और आपका रिप्ले मोड उसके बाद आप बहुत इजी वे में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे FFMPEG फाइल आ चुका है हमारा, और भाई अब इजी हमारा माइनक्राफ्ट जो है ना एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और आपको इसके अंदर का कोई भी फाइल को डिलीट नहीं करना है, याद रखना ये बात। तो गाइस अब सिंपली हम लोग को माइनक्राफ्ट खोलना है, और रेंडर वाले पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और रेंडर होने के बाद चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेंडर के बाद आप यहाँ पे क्लिप देख सकते हो। उससे पहले यहाँ पे शो प्रीव्यू वाला एक बटन आता है, ठीक है, रेंडर करते टाइम आप यहाँ पे रेंडर करते टाइम अपना प्रीव्यू भी देख सकते हो, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, और क्यों मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई अगर आप शो प्रीव्यू करते हो ना आपका यहाँ पे रेंडर में टाइम ज्यादा लगने वाला है, और टोटली डिपेंड करता है आपका रेंडर, आपका पीसी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका कितना ज्यादा पावरफुल वहाँ पे जीपीयू सीपीयू है, उस पर डिपेंड करता है आपका रेंडर कितना ज्यादा टाइम देगा। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका सीपीयू जीपीयू बहुत ज्यादा पावरफुल है तो आपको 10 मिनट की क्लिप रेंडर करने में लगभग 3 मिनट लग जाएगा,
इसके अकॉर्डिंग आप बाकी जज कर सकते हो। और बाकी अगर लो एंड पीसीबी है तो 6 से 7 मिनट में 10 मिनट का क्लिप रेंडर हो जाता है, तो अगर आप 40-42 मिनट का क्लिप रेंडर करोगे तो वो उस अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो, ठीक है। और देख सकते हो मैं शो प्रीव्यू करूंगा तो यार प्रीव्यू भी शो होते रहेगा कैसे कैसे यार सिनेमेटिक रिकॉर्ड हुआ हमारा। और भाई लिटरली जब ये हो जाएगा कंप्लीट तो उसके बाद भाई आप अपने बाहर भी जाकर के अपना ये देख सकते हो वीडियो आपका कैसा बना है। लेकिन यहाँ पे शो प्रीव्यू मत करना भाई, आपका रेंडरिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ, फिर बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा बना है हमारे यहाँ पे सिनेमैटिक। हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं बना होगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मैंने ऐसे ही कुछ भी बना दिया, लेकिन हाँ जो भी बना है मैं तुमको बाहर चल के दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा रेंडर लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन वीडियो फोल्डर। तो सिंपली आपको ओपन वीडियो फोल्डर पे क्लिक करना है, आपका यहाँ पे वीडियो फोल्डर ओपन हो जाएगा और ये डॉट माइनक्राफ्ट के अंदर ये वाला फोल्डर आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे डॉट माइनक्राफ्ट के अंदर ये फोल्डर देखने को मिल जाता है, आप सिंपली वहां पे देख सकते हो जा जाके अपना हर एक वीडियो को, या फिर आप डायरेक्ट वहां से जाओ या फिर डायरेक्ट ऐसे जा करके जाओ आपके ऊपर है ये, ठीक है। और भाई यहाँ पे शो वीडियो फोल्डर वाले पे आप चले जाना और यहाँ पे भाई सिंपली आपको वीडियो में प्ले करके भी अभी दिखा देता हूँ कि लिटरली वो वीडियो आखिर हमारा बना कैसा है। तो सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और उस वीडियो पे क्लिक करते हैं और गाइस आप देख सकते हो हमारा क्लिप जैम के अंदर ये खुल चुका है और भाई देखो हमारा सिनेमैटिक कैसा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। फिलहाल आगे के टाइम पे तो हमारे यहाँ पे स्टक नहीं, क्योंकि आगे के टाइम पे हमने कोई भी कैमरा में एंगल मूवमेंट रिलेटेड रोटेशन नहीं किया था, बट जैसे मैं इसको आगे करता हूँ जहां से हमने अपना की फ्रेम डालना स्टार्ट किया आप देख सकते हो वहां से हमारा सिनेमैटिक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है और कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। लग रहा है जैसे हमारा वर्ल्ड कप प्रीव्यू कोई कर रहा है, दूर से कैमरा लेकर के पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को दिखा रहा है। तो गाइस ऐसे ही होगा आपका भी और लिटरली यही था आज के वीडियो में, आपको रिप्ले मोड डालना आ चुका होगा और इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आप कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप खुद से रिप्ले मोड डाल सकते हो। हर वर्जन में ऐसे ही सेम रहता है रिप्ले मोड का प्रोसेस और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज से जल्दी 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 फॉरवर्ड कर दो। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।